Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, मैं हूं साकिब और आज हम बात करेंगे जिन्नात के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जिन्नात के मुताबिक तफसील से बताऊंगा कि जिन्नात क्या हैं और इनकी आबादी कितनी है और ये क्या काम कर सकते हैं और जिन्नात की कितनी किस्में होती हैं। हमारा पहला सवाल कि जिन्नात क्या हैं और इसकी आबादी कितनी है और जिन्नात अल्लाह पाक की बनाई हुई नादीदा मखलूकात में से एक मखलूक है। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। ये मखलूक भी एक मादी वजूद रखती है मगर हर इंसान को नज़र नहीं आती। जिन्नात या किसी भी नादीदा मखलूक को देखने के लिए बातवीं आँख का खुलना ज़रूरी है और अल्लाह पाक ने जिन्नात को ये सलाहियत दी है कि वो किसी की भी बातवीं आँख खोल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इनकी उम्र हज़ारों साल होती है। जिन्नात की आबादी के बारे में अगर ज़िक्र किया जाए तो एक रिवायत में आता है कि जिन्नात की 70 कौमें होती हैं और हर कौम में 70,000 कबीले और हर कबीले में 70,000 अफराद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आसमान से कोई सुई फेंकी जाए तो वो ज़मीन पे गिरने की बजाय बल्कि इनके सरों पर रुक जाएगी। अब दूसरा सवाल ये है कि जिन्नात क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्नात की ताकत भी एक सी नहीं होती। मुख्तलिफ इस्म की कुव्वतें जिन्नात की मुख्तलिफ कौमों के पास होती हैं। इनमें सबसे ताकतवर जमजो कबीले के बादशाह या सरदार होते हैं जिनसे सब डरते हैं। इनमें से दो सरदारों के नाम मुझे याद हैं, ये काबिले ज़िक्र हैं। एक का नाम यातूस और दूसरे का नाम यतमीस। अक्सर लोग जिन्नात को नाम के ज़रिए भी तांबे करते हैं। अक्सर आमिनीन को अगर किसी जिन का नाम बता दो तो वो इसे काबू करने बैठ जाते हैं। लेकिन मैं इन हजरात को ये बात बता दूं कि ये दो नाम ऐसे हैं कि अगर इनको काबू करने बैठे तो एक बात हमेशा याद रखें कि इस अमल में आमिल कामिल की कामयाबी के सिर्फ 20% ही इनका नाम होते हैं। लिहाजा एक तरह से इस अमल को करना खुदकुशी करने के मुतारिफ है। अब आपको बता दूं कि जिन्नात क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्नात बड़ी से बड़ी वजनिशें ला सकते हैं, किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर अपनी मर्ज़ी से काम ले सकते हैं, ज़मीन में दफन खजानों का पता लगा सकते हैं। इनमें अक्सर रूहानियत पे भी खादिम होते हैं और कुछ को डेलीपैथी जैसी कुव्वत अल्लाह पाक अता करता है। ये किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और ये रूप हमजात के रूप बदलने से बेहतर होता है क्योंकि हमजात जो रूप लेता है वो सिर्फ नज़र का फरेब होता है, आप इसे छू नहीं सकते। जबकि जिन्नात जो रूप लेते हैं वो मादी होते हैं। ये बेमौसमी फल भी ला सकते हैं, बड़े से बड़े मर्ज का पता लगा सकते हैं, गुमशुदा चीज़ को भी तलाश कर सकते हैं। हर किस्म के इल्म फनून आपको सिखा सकते हैं। ऐसी बेशुमार कुव्वतें जिन्नात के पास होती हैं। ये हमदाद से एक कुव्वत में पीछे होते हैं और वो कुव्वतें रफ्तार की। जिन्नात बिजली की रफ्तार से सफ़र करते हैं जबकि हमदाद ख्याल की रफ्तार से सफ़र करते हैं। ये जिन्नात से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अलावा वो भी मुख्तलिफ किस्म के
جناتوں میں مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. اب آپ کا تیسرا سوال کہ جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو دوستو نظر کے لحاظ سے جنات کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان جن. نمبر دو برے کام کرنے والے کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن. کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے یعنی سرکش جن. اس حوالے سے ابو القاسم نے فرمایا کہ جنات کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ حدیث میں وارد ہے. جو جنات کی یہ قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک جن سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. نمبر دو ایسے جن جو کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. یہ آخر ہوا کی شکل میں آندھی اور بجلی کی رفتار سے اڑنے والے جن. باقی جنات کی قوموں کے بارے میں اور ان کی آبادی کے بارے میں پہلے ہی اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جنات کے بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے اور اپنے تجربے کے مطابق میں نے آپ کو جنات کے بارے میں تمام معلومات دی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بجائیں. شکریہ.